हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। ये एक ब्रीफ क्रोनोलॉजी होगी, अगेन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। ये थर्ड लेक्चर है, इससे पहले दो लेक्चर आ चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से, आप चेकआउट कर सकते हो आराम से प्लेलिस्ट में जाके। और यहाँ पर हम बस गांधी जी का जो क्रोनोलॉजी है वो देखेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। 1882 में उनकी शादी हुई थी कस्तूरीबाई जी से, 13 साल की उम्र में। फिर 1888 में वो इंग्लैंड गए। 1893 में वो साउथ अफ्रीका में डर्बन में गए, जहाँ पे उनने अपनी जो क्लाइंट है उनकी लीगल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा। और लीगल क्लाइंट जो क्लाइंट है उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। उसी साल 1893 में 1893 में जैसे हमने बताया है कि उनको ही वॉज थ्रोन ऑफ द फर्स्ट क्लास कैरेज, जो पीटर्स मार्टिन्सबर्ग में स्टेशन में उनको उतार दिया था ट्रेन से, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था 1893 में। 1894 में उनने वहाँ पे नेटल इंडियन कांग्रेस फॉर्म करी थी, और 1899 में इस्टेब्लिश करा था इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प ड्यूरिंग बोअर वॉर। फिर 1903 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के नाम से। 1909 में उनने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज, जब वो जा रहे थे शिप में किल्डोनन कैसल से। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपका इंडियन ओपिनियन लिखा था उनने। इसके अलावा जो बात करूँ यहाँ पे, दो बुक्स जो मैं बात कर ली। अब क्रोनोलॉजी पे चले तो 1904 में, मतलब एक साल बाद ही, स्टैब्लिश करा था फिनिक्स सेटलमेंट नेटल में, ये जगह है साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पे प्रिकर्सर थे ये टॉल्सले फार्म के, मतलब वहाँ पे ये इन्फ्लुएंस थे इससे। 1906 में इन्हें वो लिया ब्रह्मचार्य का, और 1908 में सत्याग्रह को जो टर्म है वो उनने अपनी अडॉप्ट करा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मंगन लाल गांधी फॉर्मुलेशन सादरगरा, ठीक है, ये अडॉप्ट करा इनसे, सादरगरा से इन्हें अडॉप्ट करा सत्याग्रह। फिर 1909 में आपको बता दिया हिंद स्वराज लिखा था किल्डोनन कैसल में। 1910 में टॉल्सले फार्म को स्टैब्लिश करा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1912 में साउथ अफ्रीका टूर का स्टार्ट हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल मेंटोर थे गांधी के, आप सभी को पता है, जब वो आए थे उनको 1915 में गांधी जी को केसर ए हिंद मिला मेडल। इसके अलावा यहाँ पे 1915 में गांधी जी रिटर्न हो गए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया की तरफ। इसके बाद 1917 में साबरमती आश्रम ने इस्टेब्लिश करा इंडिया में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुई, जिसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस माना जाता है, पर ये लोकल लेवल पे था। 1918 में फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन्हें यहीं करी थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। 1918 में सेम ईयर में खेदा में सत्याग्रह हुआ था, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है ये लोकल सत्याग्रह समझ लीजिए। 1919 में ये नेशनल लेवल पे आते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह के अगर सत्याग्रह करा था अगेंस्ट द रोलैट एक्ट। सभी को पता है, अभी मूवी भी आई है विकी कौशल की, रोलैट एक्ट, उसमें भी दिखाया गया है जब हुआ था। तो रोलैट एक्ट के अगेंस्ट ने सत्याग्रह करी थी, और कंट्री वाइड कैंपेन स्टार्ट करा था रोलैट एक्ट के अगेंस्ट। सिविल डिसोबीडियंस था स्पेसिफिक लॉज के अंडर, और अरेस्ट इम्प्रिजमेंट के अगेंस्ट लड़े थे। 1919 में सेम ईयर में जलियांवाला बाग मैसेकरेन हुआ। उसके बाद एक साल बाद हंटर कमीशन स्टैब्लिश होती है, जो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करती है जलियांवाला बाग मैसेकरेन को। 1920 में आपका कमेंसमेंट होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। फिर 5 साल बाद यहाँ पे आप देखो 20 में कमेंसमेंट होता है एनसीएम का। 22 पर आते हैं 1922 में बारदोली तालुका ने रिजॉल्व करा था अगेंस्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और सिविल
डिसोबीडियंस। 1922 में ही चौरी चौरा का कांड हुआ था जहाँ पे पुलिसमैन को मारा गया था, और इसी इंसिडेंट, ये यूपी में हुआ था, इसी इंसिडेंट की वजह से महात्मा गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया था एनसीएम मूवमेंट को। 1924 में, 2 साल बाद, इनने बेलगांव कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड करा था। ये पहला सेशन था जो उन्हें प्रिसाइड करा था। 1 साल बाद 25 में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन गांधी जी ने इस्टेब्लिश करा था, ये इंपॉर्टेंट है। और बड़ी सारी चीज़ें पब्लिकेशन हुई है, ऑटोबायोग्राफी उनकी पब्लिश होती सेम ईयर में, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है। फिर 4 साल बाद 1929 में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा था लाहौर सेशन में, लाहौर कांग्रेस में। और उसके नेक्स्ट ईयर 1930s में डांडी मार्च हुआ था जिनने स्टार्ट करा था सत्याग्रह आश्रम से। और 1 साल बाद गांधी आयरन पैक्ट हुआ था जिसकी वजह से ये मूवमेंट को रोक दिया गया था। फिर 31 में लंदन में वो एक सोल रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और ये फेल हो जाती है। 1932 में जो रामसे मैकडोनल्ड ने उन्हें अनाउंस करा था कम्युनल अवार्ड, जो कि बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट देता है डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जिसमें डिप्रेस क्लास भी आती है, इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी बुलाता है। और सभी को पता है कि गांधी जी ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा था। और इवेंचुअली इसी साल में पूना पैक्ट साइन हुआ था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। 1932 में हरिजन सेवक संघ भी इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद 1933 पे आ जाते हैं तो पब्लिकेशन होती है हरिजन। हरिजन सभी को पता है अनटचेबल्स को नाम को हटा के गांधी जी ने स्टार्ट करा था कि हरिजन, हरिजन सेवक जो है हिंदी और गुजराती में हरिजन बंधु स्टार्ट हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद 3 साल बाद बात करें तो त्रावणकोर टेम्पल्स ओपन थे हरिजन्स के लिए। और 1942 में, मतलब 6 साल बाद, फिर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा गया था। और यहाँ पे स्लोगन अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट भी है, यूपीएससी पूछ लेता है, डू और डाई का। 4 साल बाद 1946 में 3 मेंबर ब्रिटिश डेलीगेशन आई थी दिल्ली में, जिसमें क्रिप्स था, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉरेंसन और एवी अलेक्जेंडर, ये इम्पोर्टेंट है। 3 मेंबर कौन थे? क्रिप्स थे, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। उसके बाद 46 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अडॉप्ट करा था कि वो एक्सेप्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और फिर 48 में, 30 जनवरी 1948 में नथुराम गॉडसे ने असासिन मार दिया था गांधी जी को। उसके बाद आपका 1948 में क्रीमेट करा गया उनको बैंक्स ऑफ द यमुना बाय रामदास। राजघाट एक मेमोरियल है जो डेडिकेट है गांधी जी के लिए दिल्ली में, सभी को पता है। एम के गांधी, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख सकते हो। फेजेस में डिवाइडेड है, खादी जो है 1918 में गांधी जी ने स्टार्ट करा था फॉर पुअर पीपल, लोग, गरीब लोगों के लिए स्टार्ट करा था। और उन्हें ये सिंबल था कि हम डिपेंडेंसी एंड कर रहे हैं फॉरन मटेरियल पे, और अपना जो है जो खादी है, जो अपना खुद का इंडिपेंडेंट कपड़ा है, उस पर हम जिएंगे। उसके बाद खादी है और एक चरखा है जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, थोड़ा स्लाइड ऊपर नीचे हो जाती है। हाँ, चरखा में आपका एक क्रिटिकल है मॉडर्न एज के लिए, जहाँ पे मशीन जो है, गांधी जी का थॉट है, इंस्लेव करती है ह्यूमन और डिस्प्लेस करती है लेबर को। तो उन्हें चरखा एज अ सिंपल देखा ह्यूमन सोसाइटी को, जो ग्लोरीफाई नहीं करता मशीन और टेक्नोलॉजी को। स्पिनिंग व्हील जो है प्रोवाइड करता है आपका पुअर और पुअर को सप्लीमेंट्री इनकम को, और उनको रेजिलेंट बनाता है। ये उस टाइम के लिए बहुत ही आई थिंक सही स्लोगन था, क्योंकि उस टाइम पे पॉवर्टी ज़्यादा थी और ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी थी वो प्राइमरी सेक्टर पे थी, पर आज के टाइम पे चीज़ें बहुत ही बदल गई हैं। दो फेज है जो स्ट्रगल के हैं गांधी जी के साउथ अफ्रीका में, एक तो है मॉडरेट फेज है 1894 में, 1906 में, और फिर 1906 से स्टार्ट होता है पैसिव रेजिस्टेंस फेज, ठीक है।
तो मॉडरेट फेज में क्या होता है, इस फेज में वो कंसंट्रेट होते हैं सेंडिंग पटिशन मेमोरियल टू साउथ अफ्रीकन लेजिस्लेचर, और जो कि बेसिक सेक्रेटरी है लंदन में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो भेज देते पटिशन, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाले, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन क्या था, फेयर प्ले था कि उनको सपोर्ट मिलता था ब्रिटिश से। इवेंचुअली सेकेंड बोर वॉर में भी जो क्रिएट करता है एम्बुलेंस कॉर्प्स ऑफ इंडिया, इस वॉर के बाद एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मिलता है और उनको ये कैसर ए हिंद का टाइटल भी मिलता है, जो कि इन्हें रिनाउंस कर दिया, मतलब हटा दिया था, लेने से इनकार कर दिया जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। इस स्पेस में गांधी जी ने इंडियन कांग्रेस नेटल स्टैब्लिश करी थी और एक ना अपना एक अखबार जो है इंडियन ओपिनियन वो निकाला था। सेकेंड फेज जो है पैसिव रेजिस्टेंस फेज सत्याग्रह का 1906 से स्टार्ट होता है 1914 तक। सेकेंड फेज में गांधी जी ने आपका सत्याग्रही पैसिव रेजिस्टेंस या सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट करा था। गांधी जी ने फॉर्म करा था पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, जोबन की हेल्प के साथ, इनका नाम था कैलन बैच, और उन्हें क्रिएट करा था टॉल्स्टॉय फार्म हाउस सत्याग्रही के लिए, और ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। टॉल्स्टॉय फार्म वॉज अ प्रेसिक्योर टू द गांधी आश्रम, मतलब जो आइडिया अडॉप्ट हुआ था इससे हुआ था। हुई सत्याग्रही अकॉर्डिंग टू गांधी, सत्याग्रही जो सत्याग्रही कौन होगा, तीन प्रिंसिपल है, सिंपल है कि वो जो गलत है उसके आगे सर नहीं झुकाएगा, और वो ट्रुथफुल रहेगा, नॉन वायलेंट रहेगा और डरपोक नहीं रहेगा, और वो कभी गलत लॉ के अगेंस्ट बाव नहीं, मतलब उनके सामने बाव नहीं करेगा, ठीक है, गलत सच्चाई की तरफ लड़ेगा। गांधी जी एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका इम्पोर्टेंट है ये बहुत, क्योंकि यहाँ पे उनको बड़ी सारी चीज़ें जो उनकी आइडिया है या सत्याग्रही जैसी आइडियोलॉजी हो इस्टेब्लिश हुई थी यहाँ से ही हुई थी। मासेस को इमेंस कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट सेक्रीफाइस फॉर द कॉज को, यहाँ पे उन्हें लीडरशिप भी आजमाई थी अपनी, कि मासेस को अपने साथ इकट्ठा करा और फिर इवेंचुअली मास जो मोबिलाइजेशन है, जो इम्पोर्टेंट फीचर था स्ट्रगल का भी इंडिया में भी, उन्हें यहाँ पे देखा था, उन्हें यूनाइट कर दिया था डिफरेंट क्लासेस और रिलीजन को, और रियलाइज़ करा कि लीडर्स जो है अनपॉपुलर डिसीजन लेते हैं कुछ टाइम पे, और उन्होंने एक अपना ही टेक्निक या अपना ही लीडरशिप स्टार्ट करा था। चार पब्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन देख लिया, यंग इंडिया भी देख लिया है, नवजीवन भी देख रखा है, और हरिजन ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर वन में वो फेवर में नहीं थे, होम रूल एग्रीटेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, 9 जनवरी की बात करें 1915 की, तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, इंडिया में वापस आ गए थे। इसी दिन दिवस को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, और जो 2021 का जो थीम है वो है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर गांधी जी का अर्ली मूवमेंट्स क्या थे, सभी को पता है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह एक फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था। राजकुमार शुक्ला जी ने रिक्वेस्ट किया था गांधी जी को कि वो इशू को देखे इंडिजिगो प्लांटर्स का, तीन कथाई सिस्टम था जहाँ पे यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स कर रहे थे इंडियन को, इंडियन पेजेंट को, कि वो ग्रो करे इंडिगो 3/20 जो लैंड का टोटल एरिया पे है, ठीक है। होलैंड एक्ट की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इनको इसके बाद इनको नेशनल लीडर माना गया, जैसे मैंने बताया था ऊपर भी हमने देख लिया है। और इसमें बेसिकली होलैंड एक्ट जो है अनार्किल था और रिवॉल्यूशनरी क्राइम अगेंस्ट एक्ट था, जो बहुत ही गलत था। इसमें डिटेंशन अलाउड कर दी थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, कोई भी बिना कोई ट्रायल के 2 साल के लिए। ये एक्ट वाइड स्प्रेड एंगर फैलाता है, डिसकंटिन्यू करता है बड़ी सी और बहुत ही हेटरेट फैलाता है, ठीक है। इसके अलावा 1918 में ये लोकल मूवमेंट की बात करें तो हंगर स्ट्राइक भी यहाँ पे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने करी थी, जिस जो बेसिकली मिल ओनर्स वर्कर्स के बीच में था, और यहाँ पे खेता सत्याग्रह भी था 1918 में, जो नॉन कोऑपरेशन था, पहला नॉन कोऑपरेशन इंडिया में। अथॉरिटीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया कि उनको कुछ पैसा देने से, और क्रॉप फेलियर्स हो गया था उस टाइम पे, और इसीलिए। और यहाँ पे 1919 का जब मैसेकरिन जो है जलियांवाला बाग, वो सभी को पता है, जनरल डायर थे जिनने ओपन फायर कर दिया था,
और यहाँ पे बहुत ही मासूम लोग जो बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अरेस्ट हुआ था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का, ये इसके एक्ट के अंदर, उलाट एक्ट के अंदर बहुत पीसफुल कर रहे थे, उनमें उन मासूम लोगों पे जनरल डायर ने हत्या कर दी बहुत सारे लोगों की। और इस टाइम पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड जो है वो रिनाउंस कर दिया था, और गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था मूवमेंट आफ्टर दिस इंसिडेंट, और उन्होंने ये बोला था कि बहुत ब्लंडर है, और उन्होंने अपना केसर हिंद जो ब्रिटिशर्स ने दिया था उसको वापस कर दिया था। इसके बाद हंटर कमीशन स्टैब्लिश होता है 1920s में, लेकिन कुछ ज़्यादा सजा नहीं होती जिसने करवाया इवेंचुअली, तो इसी से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट तो डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अमेज़न से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।